हम एक राजनीतिक पार्टी है और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी होने के नाते जनता की जो भावनाएं हैं और सरकार के जो निर्णय हैं इसमें अगर कोई तफरका दिखाई पड़ता हो तो जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना एक अच्छे सहयोगी का फर्ज बनता है। इसको लोग कहता है कि विरोध कर रहा है। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, अगर रास्ता बता रहे हैं, लोगों की भावनाओं से अवगत करा रहे हैं, इसको विरोध नहीं मानना चाहिए। हम कहेंगे कि ये लोकतंत्र के लिए हेल्दी लोकतंत्र का एक साइन का सरकार बनी है, लेकिन हमारा एक अपना सोच, हम उस सोच को पूरा करने के लिए हमेशा एक सहयोगी के साथ रहे हैं। भारतीय झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बीजेपी के साथ रहा है, उसके ठप्पा को कोई बात नहीं करता, लेकिन आजसु के ठप्पा को ठप्पा की तरह देखते। हम अल्पसंख्यकों के सवाल, आदिवासियों के सवाल, पिछड़ों के सवाल है, जो मुद्दे हैं, हम हमेशा उस पर मुखर रहे हैं। और अभी अगर सरकार के साथ अगर तफरका होता है तो इन्हीं तमाम विषयों को लेकर के। सुदेश जी को लोग, पूरे समाज के लोग समझते हैं मेरा नेतृत्व है। लोग, हर कोई चाहता है कि मेरे समाज से निकला हुआ युवा नेतृत्व करे, अगुवाई दे, तो इससे संगठन में विस्तार भी होता है, तो जहां जहां इलाका है उसमें विस्तार हुआ। संगठन का शुरुआत से अगर कहें तो अलग राज बना। अलग राज बनने के बाद 18 सालों में हम लोगों ने देखा कि सिर्फ खंडित जनादेश के कारण सरकार बनती थी, गिरती थी। बहुमत की सरकार अगर बना तो आजसू के कारण बना। अब बहुमत में सहभागिता या कहे कि एक तरफ सरकार मजबूत और जनता मजबूर ऐसी बनी है, तो हम लोग चाहते हैं सरकार भी मजबूत और जनता भी मजबूत हो, उसके लिए हम आगे करना चाह रहे हैं। न्याय और विकास, हमने भी नारा दिया था शिक्षा, हरियाली और विकास, तो वो पार्टी का एक स्लोगन है सोच। हम लोगों का स्पष्ट लक्ष्य है कि जिससे सोच के साथ अलग राज बना वो अलग राज का सपना साकार होना चाहिए, और उसी मूल्य को पूरा करने के लिए आजसू पार्टी संघर्षरत है। और इसलिए कई एक विषयों पर जो झारखंड के झारखंडियों के पहचान, उनके वजूद पर अगर कोई प्रश्न उठता है तो हम उसके खिलाफ मुखर होकर के आवाज उठाते हैं।